भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। माँ दुर्गन भवानी और कलकन धाम को कोटि कोटि नमन करते थे। अमेठी संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आपकी लोकप्रिय सांसद और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, इस जगदीशपुर के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश पासी जी, पूर्व विधायक श्री तेजभान सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी, जिला महामंत्री श्री राकेश त्रिपाठी जी, भवानी दत्त दीक्षित जी, गिरीश चंद शुक्ल जी, विधानसभा के संयोजक श्री हेमंत विक्रम सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह जी, लोकसभा के संयोजक श्री दयाशंकर यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री राकेश विक्रम सिंह जी और भारी संख्या में जगदीशपुर में उपस्थित अमेठी संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अभी काशी से आ रहा हूं। कल आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए काशी वासियों के उत्साह को रोड शो के माध्यम से देखा होगा। क्या अभूतपूर्व स्वागत हो रहा था एक राष्ट्रनायक जब अपना सब कुछ जनता जनार्दन के प्रति समर्पित करता है, जिसके लिए देश ही सब कुछ है, जनता जनार्दन की सेवा ही जीवन का ध्येय है और सत्ता नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। जब कोई जनप्रतिनिधि इस रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रनायक के रूप में जनता जनार्दन ऐसे ही सेवा करती है जैसे काशी वासियों ने कल प्रधानमंत्री मोदी जी का किया है। लाखों लोग 3 घंटे तक उस रोड शो में हिस्सेदार बने रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। 5 बजे से रोड शो शुरू हुआ था, रात्रि 8 बजे संपन्न हुआ और जनता जनार्दन 12 बजे से ही वहां पर खड़ी रही प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। बहनों और भाइयों, काशीवासी इसलिए भूत हैं क्योंकि काशी को एक नई काशी बनाने,
जो व्यक्ति 10 वर्ष पहले काशी गया होगा आज काशी जाएगा तो काशी को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो अलग है। जो गली थी आज 2 लेन और 4 लेन की सड़क है, जहां झूलते हुए तार थे आज अंडरग्राउंड केबलिंग है, जहां पर जर्जर घाट थे, गंदगी से सने हुए घाट थे, आज चमकते हुए काशी के घाट हैं, जहां पे नालियां बदबूदार थी आज वहां पे शुद्ध जल बह रहा है, क्योंकि एसटीपी से वहां की सारी गंदगी को हटा करके आज वहां पर शुद्धता का, स्वच्छता का, सुंदरता का एक नया मानक बना करके वहां पर देवालय हो, वहां शिक्षालय हो, वहां पर चिकित्सालय हो, वहां के कोई भी केंद्र हो, आज अगर आपको देखना हो काशी में जाकर के देखिए। मोदी जी ने 10 वर्ष करके दिखा दिया कि काशी कैसे होनी चाहिए, संसदीय क्षेत्र कैसे होना चाहिए, और जैसे काशी के लिए किया ऐसे देश के लिए मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने काशी को चमका के रख दिया। और एक अमेठी में भी तो आपने प्रधानमंत्री चुना था, क्या दिया अमेठी को? जिला मुख्यालय तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी भी नहीं दी। 4 लेन की बात तो दूर, 4 लेन की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे के माध्यम से तब आपके पास आई जब यही सुरेश पासी और मयंकेश्वर सिंह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे को हमारे यहां से लेकर के चले जाइए, तो हमने कहा जरूर जाएंगे। जब स्मृति ईरानी जी ने हमें कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र को भी एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ना चाहिए, मैंने कहा क्या होगा इससे? उन्होंने कहा उससे होगा क्या कि हमारे जगदीशपुर वासी यहां के जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को नौकरी अपने घर के पास मिल जाएगी, वहां पे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा और किसान की जमीन का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, तब आपको एक एक्सप्रेसवे मिल पाया, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया था। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है, हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। और बहनों और भाइयों, मुझे कहने में संकोच नहीं, यहां के लोग तो 1 जून 2 जून भूखों रह सकते हैं, लेकिन राम को नहीं भूल सकते, राम को नहीं भूल सकते, क्योंकि अब क्षेत्र है यहां के तो रोम रोम में राम बसे हैं, राम के बगैर उनका कोई काम ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे राम लला से उनका रिश्ता पुश्तैनियों परिवार का रिश्ता है, और ये परिवार का आपका जो रिश्ता है यही रिश्ता भारतवासी भी प्रभु राम के साथ जुड़े हुए हैं। आप जिनको पहले चुनते थे वे राम को नकारते थे, राम को अपमानित करते थे, राम के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते थे, हमारे ही वोट से हमारे खिलाफ, हमारी ही आस्था के खिलाफ बयानबाजी करते थे, हमारे ही वोट से चुना जाते थे और अमेठी के बाहर जाते थे, अमेठी के लोगों को कोसते थे, हमारे ही वोट से चुने जाते थे, देश के अंदर संसरकार बनाते थे और आतंकवाद को फिर हमारे रामलला पर हमला करने के लिए आतंकवादियों को प्रेरित करते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे और जनता जनार्दन के लिए आने वाली योजना में डकैती डालते थे, हमारे वोट से चुने जाते थे
और हमारे ही विकास में रोड़ा बनाकर के बैरियर लगाने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पहली बार देश देख रहा है मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स, रायबरेली का एम्स मोदी जी ने दिया, और अब तो अमेठी में दुनिया की जो सबसे अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है, दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है, यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल देकर के आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है, और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है, अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। अरे सरकार कैसी जब वो समस्या का समाधान न कर सके, मेरा ये मानना है, मोदी जी का मानना है, सरकार किसी समस्या के लिए, समाधान के लिए ना नहीं कह सकती। अगर जनता जनार्दन कह रही है कि यहां पुल बनना है, हर हाल में बनना है, उसको बनना ही है। जनता जनार्दन अगर कहती है कि हमारी अमुक समस्या का समाधान होना है, तो वह होना ही चाहिए, ये सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, न कि ये बोलते हैं कि अरे आतंकवादी तो पाकिस्तान से हैं, फलाने देश से हैं, हम क्या करें, अरे तुम्हारे हथियार कब के लिए रखे गए, जाओ घुस करके मारो ना वहां पे जाकर के, लेकिन मारने के लिए हिम्मत होनी चाहिए ना, और जब हिम्मत होती है तब आस्था का सम्मान करने के लिए रामलला विराजमान होते हैं, और माफिया, बड़े बड़े माफिया जो पहले सरकारों का संचालन करते थे, उनका राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाती है। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मैं धन्यवाद दूंगा श्री राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज के विधायक को, धन्यवाद दूंगा मनोज पांडे को जो रायबरेली के पास सांसद विधायक है, इन्होंने समाजवादी पार्टी से इन्होंने विद्रोह किया, कहा जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में रामलला की विराजमान होने के बाद जब मैंने प्रस्ताव रखा कि भाई चलो सभी विधायक एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं, इन सभी विधायकों ने समर्थन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं हम राम मंदिर का विरोध करते हैं, तो इन विधायकों ने कहा नहीं, जो राम का विरोध करेगा हम उसका साथ नहीं दे सकते, और इन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया, कहा कि भाई हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। इन्होंने पहले ही कहा, इन लोगों ने कहा कि राम से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, हमारे पूर्वजों का संबंध है, पीढ़ियों से हमारा संबंध है, हम भूखों रह सकते हैं लेकिन राम को नहीं छोड़ सकते, राम के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। और बहनों और भाइयों, मैं परसों गौरीगंज गया था, क्या अपार स्नेह वहां के लोग भी भाजपा को दे रहे हैं, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सोच सकते हैं, एक सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार, जनता जनार्दन गरीब भूख से मरता था, गरीब उपचार के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं होता था,
गरीब के पास शौचालय नहीं होता था, गरीब के पास एलपीजी का सिलेंडर नहीं होता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। और 10 वर्ष में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है, 5 लाख रुपए जिसमें हर वर्ष वह व्यक्ति उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। स्वर्गीय राजीव गांधी क्या करते थे ना कि 1 रुपया भेजते हैं लेकिन जमीन तक तो केवल 15 पैसा ही जाता है, बाकी 85 पैसा ये सब कांग्रेस के गुंडे और दलाल खा जाते थे। यही तो उनका कहना था, यही पीड़ा थी। मोदी जी ने उस पीड़ा का समाधान कर दिया, कहा हर गरीब का खाता खुलवाएंगे, पैसा सीधे वहां भेजेंगे। अब दिल्ली और लखनऊ से पैसा जब गरीब के खाते में आता है तो 100 में से 100 पैसा उसके खाते में जाता है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पहुंच गए हैं। और हमने तो व्यवस्था दी है हर दीपावली होली को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर इन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मैं आपसे फिर यहां से मंच से घोषणा कर रहा हूं, जितने बाकी हैं उन लोगों की सूची बना दीजिए, इस चुनाव के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर उनको भी एक एक मकान मिल जाएगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो, उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के, क्यों हिंदुस्तान के लोगों के जीवन पे बोझा बने हुए हो। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक ही बात की अपील करने के लिए आया हूं, यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, आएंगे लोग बहकाएंगे, तमाम प्रकार के नारे देंगे, खरीद फरोख्त करने का प्रयास करेंगे, सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। मेरी तो आपसे एक अपील है, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, ये चुनाव आपके लिए, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी और उनके भविष्य को संवारने का भी एक अवसर है। बताने का अवसर ये है, बताने का अवसर ये है, आपने अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को आप बता सकते हैं, कहते सकते हैं जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए थे ना, उस समय हमने यह दृश्य देखा था और ये हमारे कारण हुआ। आप ये बोल सकते हैं बहनों और भाइयों, मोदी और योगी के पास अगर आज ये ताकत है कि 500 वर्ष की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये ताकत कहीं और से नहीं, इस ताकत के दाता आप हैं, आपने ताकत दी है। अगर आपने जगदीश पासी को, सुरेश पासी को नहीं जिताया होता
और स्मृति ईरानी जी यहां से सांसद नहीं होती तो क्या हमारे पास ताकत होती क्या? अरे जब एक एक विधायक चुना जाता है, एक एक सांसद चुना जाता है, वही तो हमारी ताकत है। और वह ताकत थी, हमने 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया। अरे ये पीढ़ी तो धन्य हुई है, आने वाली पीढ़ी को भी बता पाएंगे कि देखो हमारा भी योगदान है, क्योंकि मैंने भी कमल चुनाव चिन्ह पर अपना ठप्पा लगाया था, मोहर लगाया था, ईवीएम का बटन मैंने भी दबाया था। और लोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा, जब परलोक में जाएंगे ना तो पूर्वजों को भी बता पाएंगे कि देखो आपकी जो आस थी ना, आपका जो संकल्प था, आप जीते जी नहीं कर पाए, कई पीढ़ियां चली गई, आप बता सकते हैं हमने संकल्प पूरा किया है, आपका संकल्प पूरा किया है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, एक तरफ पुण्य प्राप्त करने का माध्यम है और दूसरा है कांग्रेस और सपा के गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा करेंगे। इन्होंने पिछले 70 वर्षों में केवल भ्रम ही फैलाया है जाति के नाम पर, आपस में लड़ाक भिड़ा करके, भ्रष्टाचार के नाम पर, अराजकता के नाम पर। एक ही बात बोलनी है जो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बोलना है? जो राम को लाए हैं, और क्यों लाएंगे बोलना, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए। हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया मेहनत से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अब समय आ गया है जब हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा और मोदी जी दुनिया को नेतृत्व देंगे। इस लक्ष्य के साथ हमें कमल चुनाव चिन्ह पर बीजेपी को वोट देना है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां से कांग्रेस के सहजादे राहुल गांधी आए हैं चुनाव लड़, राहुल गांधी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप सोचो क्या कर पाएंगे, कुछ बस का ही नहीं, उनके बस का नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ठीक बात है, घूम रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन कोई विजन अपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने आपके पास प्रत्याशी बनाकर के पुनः भेजा है। स्मृति जी 5 साल में जितनी बार यहां पर अमेठी में आई है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके भेजेंगे? बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जा पाएगा बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसके लिए स्वयं आपको प्रत्याशी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। बनेंगे, घर घर जाएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।